कुछ ज्यादा ही दर्द है। हाँ दर्द तो बहुत है। अच्छा मेरे पास ना इसको ठीक करने का एक तरीका है। अच्छा वो क्या? बताती हूँ। ये क्या है? हथौड़ी। इससे तुम क्या करोगी? इससे मैं तुम्हारे पाँव का दर्द ठीक करूंगी। वो कैसे? जिस तरह इससे कील ठोकते उसी तरह से तुम्हारा पाँव ठोक के ठीक करूंगी। क्या? हाँ मैंडी मैंडी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा क्या किया? छोड़ो तो उसको। मैंडी इसको मुझे दूर रखना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया यार? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। तुम रुको रुको रुको, अकल को हाथ मारो यार। मार ली है, अब तुम्हें मारूंगी। तुम देखने नहीं मैं कितनी बीमार और जख्मी हूँ। देख लिया तुम कितनी बीमार और जख्मी हो। देखो मैंडी अब जब मौत को इंसान इतने करीब से देखता है ना तो मरता हुआ भी भागना शुरू कर देता है। जीवन तो खत्म है सारे तुम पे। मैंडी अब तो देखो तुम मेरी हालत को समझो। तुम नहीं समझोगे तो मुझे कौन समझेगा? जब कोई मेरी तकलीफ को नहीं समझता तो मैं किसी की तकलीफ को क्यों समझूं? क्या मतलब? मतलब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बुराई को खत्म करके ही रहूंगी, लेकिन प्यार से नहीं मौत से। कौन? मैडम दूध वाला। दूध वाला? कभी पानी वाला कभी दूध वाला। दो दूध ये ले मैडम। तुम्हारा दूध दिन में दिन इतना पतला क्यों होता जा रहा है? मैडम मुझे नहीं पता, मेरी भैंस को पता होगा। है ये क्या जवाब हुआ भला? तुम्हारी भैंस है तुम्हें ही पता हो ना, अपना दूध पतला दे दिया हूँ फल्लो। मैडम मुझे मेरी माँ की कसम है, मैं दूध में एक कतरा भी पानी नहीं डालता। जो लोग अपनी सगी माँ की कदर नहीं कर सकते, इज्जत नहीं कर सकते हैं, झूठी कसमें खाते हैं, वो धरती माँ की कदर क्या करेंगे? मेरा सिर ना खाएं, मुझे पैसे दें और मैं जाऊँ। दो दो इसको पैसे दो, इसको तुम्हारे सोचने से भला क्या लेना देना। तुम्हें पैसे चाहिए ना? देती हूँ मैं तुम्हें पैसे। रुको जरा एक मिनट, तुम जाना नहीं करती। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? अबे ये दूध देखो ना जरा कितना पतला दे रहा है मुझे। रोड पे सब देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान खराब किया इन लोगों ने। रुको तो सही, मैं इसको पकड़ू तो सही। मेरे साथ हाथ हो गई है, पूरा पाकिस्तान तबाह किया है इन्होंने। इतनी मिलावट है। हाथ छोड़ो मेरा। जरा मैडी क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि मुझे तब्दीली का कोरोना हो गया। हाँ, क्या तुम्हें कोरोना हो गया? हाँ और अब मैं ये कोरोना सबको लगाऊंगी। मुझसे दूर रहना प्लीज। ज्यादा ओवर एक्ट मत करो, हमें कोरोना हुआ है तब्दीली का कोरोना नहीं। तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया तुम्हें? तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो अकेला मुझे। मैडी अब तुम्हें अकेला छोड़ दूं ताकि तुम खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाओ और पुलिस आकर मुझे पकड़ ले, है ना? तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम्हें सिर्फ अपना सोचती हो, तुम कभी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती। तो बताओ ना यार क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं कुछ भी बताना ना बेकार और फजूल है। जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा मैंडी? ओके फाइन, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ तुम्हें, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी ना तो मैं तुम्हारी हेल्पिंग करने वाली, ठीक है? ओके। हो गया इसे, पागल हो गई हो तुम। देखो मैंने कहा था ना मम्मी, बेसब्री से नुकसान उठाओ। मैं चाहे जान से जाऊं लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। मगर आपका लोगों को सुधारने का तरीका एकार गलत है। लेकिन इनको सुधारने का कोई और तरीका है भी नहीं कायदे आजम। तो तलाश करें। आप बता दें। देखो मैंने तो सब कुछ बता दिया है, उस पर अमल करना आप लोगों का काम है। एक तो कायदे आजम भी ना अल्फ्रेड हिचकॉक बने हुए हैं, पूरी बात बताते नहीं है और चले जाते हैं। अब मुझे तो जो समझ आएगा मैं वही करूंगी ना। मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी वजह से दुकानदार ने सौदा, गवाले ने दूध और फ्रूट वाले ने फ्रूट देने से मना कर दिया है। हाँ तो इसमें कौन सा कयामत आ गया है?
हम कोई और ढूंढ लेंगे जो सच्चे और ईमानदार लोग होंगे। ईमानदार ईमानदार, ये सुन सकते हैं मेरे कान फट गए हैं? तुम्हारे कान को यहाँ मैंने फट दिए? शर्म मैंडी, इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें उपहार देने पर कन्विंस किया था और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब तुम मरना भूखी अपने ईमानदारी का भाषण लेकर। देखो सैंडी, सच्चाई की राह में मुश्किलात आती हैं और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो पहला जमाना था, आजकल दुनिया के साथ चलना पड़ता है, उनकी जैसा बनना पड़ता है। लेकिन मैं तो उनकी जैसे बिल्कुल नहीं बनूंगी। अच्छा, तो फिर तुम भूखी मरोगी। डर के देखो कौन है। कितनी मजाल, तुम्हें आकर पूछती हूँ। देखो यूं आएंगी, तुम जानते नहीं हो इंस्पेक्टर खान की दहशत को। कौन है? लो ये कहां से आ गए? मैं हूं खान, इंस्पेक्टर खान, मजलूमों का दोस्त और जालिमों को बनाता हूँ इबरत का निशान, क्योंकि मैं बंद कराता हूँ तूफान तूफान तूफान। हो गया आपका इंट्रो? खान को किसी इंट्रो की कोई जरूरत नहीं होती। खान एक तूफान है जो कभी भी और कहीं भी आ सकता है। अच्छा वाओ, तो फिर आप यहाँ क्यों आए? वो किधर है वो तुम्हारी साथ वाली दूसरी? कौन? मैंडी। वो तो यहीं पर है, लेकिन आपको उससे क्या काम है? मैंने उसके साथ एक गाना करना है, चन मेरे मखना। लेकिन वो तो बहुत बेसुरी है। और आप भी बेवकूफ लड़की, सर ने जोक मारा था। बहुत ही बेहुदा जोक मारा है। अच्छा जी, आप मारे तो जोक, हम मारे तो बेहुदा, यानी के हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टोनी। वैसे आपका कुत्ता भी कुत्ता ही लगता है। क्या मतलब? बकवास बंद करो, हजार दफा तुम्हें कहा है कि खवातीन से तमीज से बात किया करो, बल्कि खूबसूरत खवातीन से तो बात ही ना किया करो। क्यों सैंडी जी? सर जी, आपने देखा नहीं उसने क्या बोला है? उसने बात की है, सिखाई नहीं। अच्छा देखिए, आप लोग सीन को ड्रैग मत कीजिए और ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। भाई मैंडी से मिलने आए हैं। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों? भाई उसके खिलाफ दस 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 दरखास्तें हैं। दस? जी बस। यानी के तुम्हारा ख्याल है कि पूरा शहर उसके खिलाफ दरखास्त दे? वैसे जैसे हालात चल रहे होना तो ऐसे ही चाहिए। आपको मैंडी से मिलना है तो मैं आपको मैंडी से मिलवा देती हूँ। आप लोग आइए मेरे साथ। लेट्स गो। आइए। मैं हूँ खान, इंस्पेक्टर खान, मजलूमों का दोस्त और जालिमों को बनाता हूँ इबरत का निशान, क्योंकि मैं बनकर आता हूँ तूफान तूफान तूफान। मैं सोने चली जाऊँ? वो क्यों? क्योंकि आपका तारुफ खत्म हो गया और तुम मुझे बुला लें। वैसे तुम कानून से मजाक कर रही हो। तुम? जी मैं। तुम नहीं, वो लीजिए, फिर इस पर वो भूत सवार हो गया। सर जी, इस घर में कुछ है, मुझे भी कुछ लग रहा है यहाँ। चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ? मैं तो वो काला कानून हूँ जो तुम सब पर मुसल्लत। तो ये कौन है? ये तो कानून के पुतले हैं जो इस काले कानून की कालक सारे मुआशरे में फैलाते हैं। तो मैं ऐसे पुतलों को जला के राख दूंगी। वो मंडी, अब क्या कह रही हो, पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। सर जी, मैंने आपको पहले मना किया था कि यहाँ ना आए, अब तो आ गए हैं, अब क्या करें सर जी, क्या करें? अब क्या करें? अब अपनी जान बचाओ और भागो। अरे रुके रुके, लो बन गए हमारे मेहमान। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़े, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तो नहीं पड़ा, तुमने खुद अपने जमीर को जगाकर मुझे बुलाया। मैंडी, तुम किससे बातें कर रही हो? इस मनहूस से। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। है ये मैंडी, मुझे नहीं यकीन हो गया कि तुम सच में पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, पागल हो गई। मैं वाकई पागल हूँ।
जब यहाँ कोई सुधरना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों पागल हो रही हूँ? यानी मेरा जमीर मर गया? सर जी, ये आवाज किसकी है? मैंने कहा है सर जी, कौन डरपोकली? सर जी मुझे तो ऐसे डरपोक कह रहे हो जैसे खुद बड़े बहादुर खान हो। अफसरों को ताने नहीं मारते ना फरमान। क्यों सर जी? नौकरियां छिन जाती हैं, केस बन जाते हैं और जेलें हो जाती हैं। गलती होगी सर जी, आई एम सॉरी सर जी। इंस्पेक्टर खान दरवाजा खोले। जाओ जाओ फारूक अली, क्या याद करोगे, खोलो दरवाजा। सर जी इस वक्त मेरे पैरों में दरवाजे तक जाने की और हाथ में दरवाजा खोलने की जान नहीं है सर जी। मुझे भी ना डराओ, मेरा भी यही हाल है। आप लोग क्या लड़कियों की तरह अंदर छुप के बैठ गए हैं? बाहर आ जाए, मैडी चली गई है। कहाँ गई? अब वो घर से बाहर चली गई है। सर जी मौका अच्छा है, मैं तो कहता हूँ निकल ले सर जी। हाँ ठीक कह रहा तू बेकार नहीं, चल भाई बहादुर खान बल्कि चापर खान निकल। आज बेकार ली, मैदान साफ है। क्या हुआ इंस्पेक्टर खान, बन के आते हैं तूफान? कौन थी? मैं। तुम कौन हो? वो भी मैं ही हूँ। हटो पीछे, कितने डरपोक हो तुम बेकार अली। तुम दोनों ने कानून को क्या मजाक बनाया हुआ है? हाँ हमारा कानून तो है ही मजाक। अब मेरा मतलब है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ मजाक कर लूं, तो मैंने कर लिया। ओ, तो फिर कभी हमारा भी मजाक करने को दिल किया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझियो। अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा उस मैनी से पूछ गिछ करने। हटो पीछे, जैसे आपको ठीक लगे। चलो बेकार अली। वाह सैंडी, ये तो कमाल ही हो गया, क्या आइडिया ढूंढा तुमने। इन पुलिस वालों को ना मैं ऐसे ही मजा चिखाऊंगी। बड़े आए खान खान। मंडी ने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? वैसे बनाया तो मैंने, तब गंदा हुआ है मेरा कमरा। घर में काम ही मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। कमरा भी खुद ही साफ करूं। इस नंदी की बच्ची का तो ना दिमाग चल गया, हर वक्त बेईमानी धोखा दही और गंदगी की राग लापती रहती है। लगता है पूरे पाकिस्तान को ठीक करने का ठेका ना इसी ने उठाया हुआ है। पहले खुद को तो ठीक कर ले। कमरा भी खुद ही साफ करना पड़ेगा। सफा कर लूंगी। हाँ सो जाती हूँ। तो अपना ज़मीर अब सुला चुकी हूँ दोबारा से। वो तुम्हारे ज़मीर की आवाज़ और ये तुम्हारे ज़मीर के सोने की आवाज़। हाय रब्बो, मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ, तुम मेरी जान छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। हैं? वो कैसे? ये लो। ये क्या है? ये वो सब अमाल हैं जिनका रूप धार कर मैं तुम्हारे साथ और जिन पर अमल करके तुम पाकिस्तानी कौम इस मकाम पर। तो मैं
का क्या करूंगी? इन पर अमल करो और अपनी जिंदगी आसान है। ये तो चला गया, क्या बहुत उदास हूँ कायदे, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों को एहसास दिला सकूं, मगर मुझे पता है और इस बात की खुशी है कि आपने कोशिश की, लेकिन आपने जो तरीका इख्तियार किया है वो ठीक नहीं। मुझे पहले ही आपकी बात सुननी चाहिए। कोई बात नहीं, आपने इससे सबक जरूर हासिल किया होगा। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बस तो अब ना अपने तजुर्बे को सामने रखते हुए सब्र और तहम्मुल से मेरे सिखाए हुए अल्फाज पर अमल करो। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक, अब ऐसा ही करूँगी। और उस काले ड्रेस वाले ने मुझे जो कुछ कहा है करने को, उस पर बिल्कुल अमल नहीं करूँगी। वेरी गुड। कायदे आज़म, आप यहाँ? देखे, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह हूँ, हर पाकिस्तानी के दिल में हूँ। मुझे बस अपने दिलों में तलाश करना है आप। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर अगले साल आऊंगा। और मुझे यकीन है मैडी, अगले साल बहुत से लोगों की सोच आप बदल चुकी होंगी और आपकी दोस्त सैंडी की भी। ये तो नामुमकिन है। मुंह बंद करो, कायदे आजम के सामने तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। सच्ची हूँ मैं तो, मैं तो सच बोलूंगी। खुश रहो मेरे बच्चों। ये ख्वाब था मेरा, और वो भी इतना अच्छा। मच्छर था तो ऐसे मारना जरूरी था? तुम्हें नजर नहीं आना मैं सो रही थी, ऐसे मारता है कोई? क्या करूं मैं, एक तो लाइट नहीं आ रही, ऊपर से ये मच्छर, ऊपर से तो इस मुल्क में तो रहना ही मुश्किल हो गया। देखो सैंडी, इस मुल्क में रहना हमारे लिए फखर और एजाज की बात है। ये हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। क्या हुआ, अगर इसमें थोड़ी कमियां हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे जल्दी। अच्छा बस दादा, मेरी सहेली मत बनो, बहुत नींद आ रही है मुझे, सो जाओ। ओके।